Hello everyone. I'm Dr. Kinjal Chandra. I'm a pediatric occupational therapist and founder of Pehel Pediatric Therapy Center, Mulund, Mumbai. आज हम फिर एक बार मिल रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन लाइव के साथ जो है व्हाट्स एंड हाउस ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स एंड राइट्स। सो इन मेरा प्रैक्टिस जहाँ पे हम बहुत सारे बच्चों से डेली इंटरेक्ट करते हैं, थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, पेरेंट्स ऐसे कई सवालों के साथ आते हैं कि हमको ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें जैसे थेरेपी है, ट्रैवलिंग है, हमारा ऑलरेडी इतना खर्चा हो रहा है, तो इतने सारे हमारे कंसर्न्स हैं, तो क्या गवर्नमेंट के एंड से हमको कुछ हेल्प होती है, क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हम वहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हैं। कई बार पेरेंट्स का ये होता है कि हमने सुना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जैसा करके कुछ होता है, पर वो कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, कौन हमको गाइड कर सकता है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे परप्लेक्सिंग हैं पेरेंट्स के लिए कि इसका आंसर्स हम कहाँ से ढूंढें। तो हमने वी स्पोक टू अदिति झा जो हमको बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगी एंड शी वेरी ग्लैडली अग्रीड कि हम डेफिनेटली इस पर एक लाइव कर सकते हैं जहाँ पे हम पेरेंट्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास कर सकें। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अदिति झा जो हमको ये पूरी जो हमारा लाइव है जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जिसको वो क्लियर करेंगे, हमको एक पाथ बताएंगे जिसके थ्रू काफी पेरेंट्स को हेल्प होगा। और आप ये अगर सुन रहे हैं और आप जानने पहचानने में आपके ऐसे कोई पेरेंट्स हैं जिनको है देर आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी हो और वो भी ये इन चीजों के थ्रू स्ट्रगल कर रहे हो, तो प्लीज शेयर विद देम दिस लाइव एज वेल। सो ऑन दैट नोट लेट मी इंट्रोड्यूस मिस अदिति झा टू यू ऑल। Aditi Jha has done her master's in social work from Tata Institute of Social Sciences in Mumbai, and she specialized in disability studies and action. She currently works with Ummeed Child Development Center, a Mumbai-based non-profit organization that works with children with disability. Aditi has been associated with Ummeed for the past 9 years now, and she loves working with caregivers of children with disabilities and advocates for their rights as well. मैंने personally Aditi से interact भी किया है, मैंने उनके ये webinars attend भी किए हैं, and I know how beautifully she passes the information across, और इतने layman और simple terms में वो ये करती हैं. So we are so happy that she's agreed to have this live with us. So let's have Aditi Jha on stage with us. Hello Aditi, you're on mute. Yeah. Hello Kinjal, thank you so much कि आपने ये opportunity दी हमें और आज इस platform पे आके मैं share कर सकती हूँ जो भी आपने अभी share किया जो अक्सर parents के concern होते हैं. So thank you so much. And Aditi, it's totally our pleasure to have you. और आपने इतने short notice पे हमको हाँ बोला for this live. It really means a lot to us. And as I told the audience already, I know how good you are at sharing that information across. So we are looking forward to this live. The coming few minutes जो होने वाले हैं. Sure. I'm also looking forward. मैं भी देखना चाह रही हूँ आगे कि क्या-क्या concerns या क्या-क्या questions parents के हो सकते हैं. So definitely. Great. So let's start. So मेरा first question जो parents काफी बार पूछते हैं is exactly ये disability certificate है क्या और ये किसको मिल सकता है. So is it like कि अगर suppose मुझे सिर्फ बोलने में तकलीफ है तो क्या मैं disability certificate के लिए right candidate हूँ. So किसको मिलता है और ये क्या है basically. Okay. सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है किंजल और जैसे आपने कहा कि बहुत से पेरेंट्स ये पूछते हैं कि सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है और इसे क्यों बनाना ज़रूरी है. तो मैं बताना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ होता है जो हमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, जो ये बताता है कि व्यक्ति की कितनी परसेंटेज डिसेबिलिटी या चैलेंजेस है उन्हें. तो ये सर्टिफिकेट उन व्यक्ति को मिलता है, बच्चे जिन्हें डिसेबिलिटी है उनका भी असेसमेंट होता है, जो अडल्ट्स है उन्हें भी ये मिल सकता है. तो डेफिनेटली ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है ताकि इसको बनाने से या अवेल करने से, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अवेल करने से जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसीज रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स या कंसेशंस
होते हैं वो आसानी से मिलने में उन्हें दिक्कत नहीं आती है। और ये एक, जैसे मैंने कहा कि वन सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूफ करता है कि व्यक्ति को इस क्षेत्र में सपोर्ट चाहिए या बेनिफिट्स चाहिए, और वो बेनिफिट्स को पाने के लिए हमें ये डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट अवेल करना पड़ता है। तो क्या ये बच्चों को भी मिलता है? क्योंकि कई बार ऐसा नोशन होता है कि ये सिर्फ बड़ों को ही हो सकता है, सो बच्चों को भी मिलता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट? यस किंजल, बच्चों को जब हम कहते हैं तो डेफिनेटली एज वहाँ पे क्राइटेरिया इतना स्पेसिफिक नहीं है, पर ये बच्चे जिन्हें डिसेबिलिटी है, जैसे हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज बोलते हैं, जिन्हें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होती है या फिर अडल्ट विद डिसेबिलिटीज होते हैं, तो बच्चों को भी मिलता है। और खास करके डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज इतनी विजिबल नहीं होती है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। सो बच्चे अगर अगर हम एट अर्ली एज आइडेंटिफाई कर सके कुछ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, तो वो उस समय से भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, एज सून एज जितना जल्दी पेरेंट्स को अपने बच्चों के डायग्नोसिस के बारे में पता चल जाए, वो इस बात को समझ सके, उसके बाद की सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्रोच कर सकते हैं, प्रोसेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। पर ऐसा नहीं है कि बच्चों में कई बार, सपोज एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है और उसका सपोज उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया और वो थेरेपी भी ले रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उनमें प्रोग्रेस देखते हैं, तो जो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना वो क्या वंस एंड फॉर ऑल लाइफ टाइम के लिए है या कुछ और होता है इसमें? नहीं, ये वन टाइम के लिए नहीं होता है, इसको आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो अगर आप अपने बच्चे के छोटे उम्र में उस सर्टिफिकेट को बनाते हैं, तकरीबन 3 साल की उम्र या 4 साल या 5 साल या 8 साल, तो आपको रिन्यू करने के लिए जाना पड़ता है। जब तक आपको जो रिन्यू पीरियड है वो 5 साल का होता है। जैसे आपने कहा कि कई केसेस में डिसेबिलिटी में बदलाव होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन कंडीशंस में या जिस तरीके से हम इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं उसमें थोड़ा बदलाव आ सकता है, बच्चे के डेवलपमेंट में बदलाव आ सकता है, तो उस चीज को असेस करने के लिए आपको कुछ सालों के बाद जाना पड़ता है, और तकरीबन ये 5 साल का पीरियड रहता है जहाँ पे रिन्यू करते हैं। पर रिसेंटली अब ये भी देखा गया है कि अगर वही बच्चा अडल्ट हो जाता है, ऐसे अराउंड 18 या अबव 18, तो उनको एक परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उन्हें बार बार रिन्यू करने की या फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो उसके पहले इट्स लाइक अ टेम्पररी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो हर 5 साल में आपको रिन्यू करना है बिकॉज बच्चे में प्रोग्रेस होंगे, बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग ब्रेन और थेरेपीज चल रही हैं, तो उस हिसाब से वापस परसेंटेज उनके चेंज होंगे एंड देन अकॉर्डिंगली उनके कंसेशंस भी चेंज। तो उस पर निर्भर करता है कि उसे टेम्पररी सर्टिफिकेट मिलेगा या परमानेंट। बट आपके सर्टिफिकेट पे अगर किसी ने बनाया होगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो अक्सर वहां पे लिखा रहता है कि प्लीज कम आफ्टर, प्लीज विजिट आफ्टर 5 ईयर्स, रीअसेसमेंट करने की जरूरत है 5 साल बाद या 3 साल बाद। तो इस हिसाब से बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के अनुसार वो रीअसेसमेंट ड्यूरेशन फिक्स की जाती है, ऑब्वियसली। ओके, सो ऐसे कौन से डिसेबिलिटीज हैं जो जो क्वालिफाई करते हैं फॉर अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, स्पेसिफिकली अगर हम बच्चों की बात करें? ये हमारे डिजेबिलिटी लॉज और एक्ट्स है, मैं थोड़ा उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगी। हमारे पहले जो पुराने एक्ट थे जो 1995 में आए थे, उसमें सिर्फ केवल 7 डिजेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया था, और ये 7 डिजेबिलिटीज सिर्फ उन्हीं डिजेबिलिटीज को रिकग्नाइज किया गया था जो विजिबल थी, जो आपको नजर में आती थी, विजुअल इम्पेयरमेंट या फिजिकल डिसेबिलिटी। तो ये आसानी से किसी भी व्यक्ति को देखिए पता चल जाता था कि इस व्यक्ति को या बच्चे को डिसेबिलिटी है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स के एडवोकेसी के बाद, और जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेस होता गया, हमने देखा कि बहुत सारे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज भी, उसके बारे में अवेयरनेस इतना नहीं हुआ करता था, और पेरेंट्स ने खुद फोरम पेरेंट्स बॉडीज ने ये आके साथ में ये सोचा कि जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज है जो दिखती नहीं है, जो नजर नहीं आती है, ऑटिज्म है या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उन बच्चों को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो कोई भी और प्रकार की सपोर्ट हो, जो उन्हें मदद चाहिए उसके लिए सपोर्ट कंसेशंस चाहिए। पर क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी रिकग्नाइज नहीं थी, इस वजह से उन्हें वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। बट आई वुड लाइक टू से कि इतने सारे कैंपेन के बाद, इतने सारे एडवोकेसी के बाद, अब जाके 2016 में नया एक्ट जो रिवैम्प हुआ है, जिसे हम अभी राइट्स
ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 कहते हैं, हम उसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी कहते हैं। तो ये एक्ट में बदलाव आया है और अभी 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज इसमें ऐड की गई है। तो 7 तो पहले से थी कि उसमें और डिसेबिलिटीज ऐड की गई है, और मैं ब्रीफली बताऊंगी कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, जैसे कि ऑटिज्म है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पीच लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स, इवन जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो भी, कंडीशंस है वो भी इसमें ऐड की गई है, मेंटल हेल्थ है, और मेंटल रिटार्डेशन का शब्द बदलकर अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया है, तो इसको चेंज करके उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। तो ऐसे बहुत सारे डिसेबिलिटीज है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जो अब इस एक्ट में शामिल की गई है। इसका मतलब अब इन सारे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को आप आसानी से सर्टिफिकेट अवेल कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो जैसे हमारे प्रैक्टिस में ये सबसे ज्यादा देखते हैं, सेरिब्रल पॉलिसी है, जो काफी मात्रा में बच्चे जिससे पीड़ित हैं, वन इज दैट, सेकंड इज ऑटिज्म, जो अगेन बहुत ज्यादा देखा जाता है, एपिलेप्सी, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन अभी ही आया है, सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ एपिलेप्सी। सो क्या अगर आपको सिर्फ एपिलेप्सी है तो क्या आई एम एलिजिबल फॉर अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट? सो एपिलेप्सी किंजल, इट्स अ कंडीशन, इट्स अ मेडिकल कंडीशन, ये एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन एपिलेप्सी अलोन एज अ इंडिविजुअल डिसेबिलिटी हमारे एक्ट में शामिल नहीं की गई है। लेकिन जैसे आपने कहा, चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पॉलिसी या अडल्ट विद सेरेब्रल पॉलिसी, अगर उन्हें एपिलेप्सी डायग्नोसिस किया है तो ये कोमॉर्बिड कंडीशन में आ जाता है। तो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा वो सेरेब्रल पॉलिसी यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर मिलेगा, उस लोकोमोटर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में मिलेगा, और कोमॉर्बिड कंडीशन या एनी अदर मेडिकल कंडीशन में एपिलेप्सी के बारे में लिखा जाएगा। लेकिन ओनली हैविंग एपिलेप्सी वो नहीं आता है एक्ट में। इवन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में कई बार एपिलेप्सी एज अ कोमॉर्बिड कंडीशन को साथ में दिया जाता है, पर आपकी प्रोमिनेंट डिसेबिलिटी आइदर फिजिकल डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पॉलिसी से आपने कहा वो होनी चाहिए, या फिर और कोई डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होनी चाहिए जिसके साथ epilepsy as medical condition will be recognized. Yeah. Okay, okay. So I think जो हमको question आया है, अगर आपके बच्चे को आप cerebral palsy है उसके साथ there is epilepsy, या there is autism उसके साथ there is ADHD, या उसके साथ there is epilepsy, तो it will still be considered, but lone stand alone epilepsy will not be considered. No, not stand. Yes, individual नहीं जी, लेकिन ये comorbid conditions के साथ आपको epilepsy के लिए भी support मिल जाएगी। ओके ओके ग्रेट। तो अब ये तो समझा के सर्टिफिकेट्स किसको मिल सकता है, अब इसका प्रोसेस कैसे होता है? हमको अगर पता चले कि मुझे मेरे बच्चे के लिए लेना है तो मुझे कहाँ जाना है, किसको अप्रोच करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इफ यू कैन शेड सम लाइट ऑन दैट। श्योर, आई एम श्योर कि बहुत से लोग जो हमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, वो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग स्टेट से आज ज्वाइन करे होंगे। तो मैं जो पैन इंडिया प्रोसेस है या स्टेप्स है उसके बारे में बताऊंगी, जो यूनिवर्सल है, जो सबके लिए लागू हो सकता है। वैसे देखा जाए तो अलग अलग हॉस्पिटल्स में कुछ अपने अलग अलग उनके प्रोसेस होते हैं, दैट माइट बी डिफरेंट, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए उनके स्टेट रूल्स के अनुसार, बट जो बेसिक और कॉमन प्रोसेस है दैट इज समथिंग विच आई फील आई विल शेयर। सो नंबर वन इज कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि UDID कार्ड के बारे में काफी चर्चा होती है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, और मैं फिर से रिपीट करूंगी, इट्स कॉल्ड UDID कार्ड या फिर यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो ये एक नई पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं www.swavalamban.gov.in। आपको अगर कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए, व्यक्ति जिसे डिसेबिलिटी है, अगर वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो इस दिए गए swavalamban.gov.in में जाके वो अपना एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हैं। चार तरह के बेसिक डिटेल्स पूछे जाते हैं, जो कि पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल और हिस्ट्री डिटेल्स। तो ये सारे डिटेल्स पूछे जाते हैं और आपको रजिस्टर करना है पहले कि आप किसके लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने पे आपको एक रिसीट मिलेगी जिसमें लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स दी जाती है। मैं ये चीज शेयर करना चाहती हूँ कि लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स अपने से जनरेट नहीं होती है,
उससे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चे का जो आधार कार्ड है या जो डॉक्यूमेंट प्रूफ, जो एड्रेस प्रूफ है, वो अपलोड करना पड़ता है इस एप्लीकेशन के साथ। तो जो आपका एड्रेस रहेगा, अगर आप मुंबई के हैं मान लीजिए, तो मुंबई के हिसाब से जहां आप रहते हैं वहां का हॉस्पिटल का लिस्ट आपको दिया जाएगा। उस लिस्ट में से पेरेंट्स को ये चुनाव करना है कि कौन सा उनके घर के नजदीक की हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप सर्टिफिकेशन नहीं बना सकते, ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए आपके आपके घर के पास जो होता है और आधार कार्ड के अनुसार। और वहां पे जाके आपको वो लिस्ट में से जो नाम होता है आप वहां जाएंगे, आपको वो रिसीट या लिस्ट जो है साथ में लेके जानी है हॉस्पिटल में। और पहले मैं ये पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि पहले खुद जाके इंक्वायरी करके आइए, क्योंकि कोविड से पहले सिचुएशन और जो प्रोसेस थी वो थोड़ी अलग थी, अब थोड़ा चेंजेस होने के चांसेस है जो हमेशा अपडेट होती रहती है। तो सेफ्टी के तौर पर वी वुड रिक्वेस्ट कि पेरेंट्स पहले जाए, उस यूडीआईडी एप्लीकेशन रिसीट को साथ में लेके जाए और बच्चे का आधार कार्ड लेके जाए, अपना आधार कार्ड साथ में कैरी करे एंड वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे का 2 पासपोर्ट साइज फोटो कैरी करे। और हॉस्पिटल में जाके जो डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है वो अक्सर आपको पूछना पड़ेगा, ओपीडी अवेलेबल रहती है, साइकेट्रिक ओपीडी, वहां पे जाके आपको पता करना पड़ेगा कि मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है। आप वहां पे जाओगे और आपका असेसमेंट का टोकन लेके आओगे, तो ये असेसमेंट होता है मेडिकल असेसमेंट। कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि मैंने स्वावलंबन यूडीआईडी फॉर्म फिलअप कर दिया तो मेरा कार्ड अपने आप बन के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट कि पहले आप इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे, आपको एक रिसीट मिलेगी, उसमें लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स दिया जाएगा, आपको उनमें से कोई एक हॉस्पिटल में विजिट करना है अलॉन्ग विद द आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। आप विजिट करोगे उस हॉस्पिटल में ये बोलने के लिए कि मुझे अपने बच्चे के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है, और आप मेडिकल असेसमेंट, बच्चे का असेसमेंट होगा हॉस्पिटल में जस्ट टू चेक कि वाकई बच्चे को जो डिसेबिलिटी पेरेंट्स को लगती है वो है कि नहीं, वेरीफाई करने के लिए। जब आप असेसमेंट का डेट लेने जाओगे तो आपको अन्य प्रकार की अलग अलग टाइप की असेसमेंट के लिए रेफर किया जाएगा, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ओटी असेसमेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी असेसमेंट और स्पेशल एजुकेटर। तो ये सारे टीम होते हैं हॉस्पिटल्स में जो बच्चे का ओवरऑल असेसमेंट करते हैं और ओवरऑल फिर आपको बच्चे का डायग्नोसिस उस सर्टिफिकेट पे और रिकमेंडेशन के साथ लिख के देते हैं। ये सर्टिफिकेट आते आते ये आप सर्टिफिकेट ऑनलाइन आएगा यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से, एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है जब आप रजिस्टर करते हो आपके दिए गए फोन नंबर से, तो आपको एक 20 डिजिट एनरोलमेंट नंबर आपके फोन पे मैसेज मिलता है। ये 20 डिजिट एनरोलमेंट नंबर बहुत ही जरूरी है बिकॉज इससे आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो कि आपका सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना है, आपका यूडीआईडी कार्ड आया है कि नहीं आया है। सो देयर आर टू थिंग्स, पहला आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जैसे हमेशा मिलता है वो मिलेगा, साथ ही साथ एक यूडीआईडी कार्ड आपको दिया जाएगा जो एक पैन कार्ड जैसा या आधार कार्ड जैसा होता है, ये एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है। तो ये कार्ड जैसा आपको फॉर्मेट में मिलेगा और दोनों ही चीज आपको ऑनलाइन यूडीआईडी ऑनलाइन पेज से मिल जाएगा, स्वावलंबन पेज से मिल जाएगा। कई बार हॉस्पिटल्स अभी क्या कर रहे हैं कि इसे ऑनलाइन ही ट्रैक ऑनलाइन ही डिलीवर कर रहे हैं, ऑनलाइन इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं आए तो कई बार ऐसे मैसेज आता है कि इट हैज बीन सबमिटेड टू योर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी ऑफिस, मतलब कि समाज कल्याण ऑफिस या सोशल वेलफेयर ऑफिस, तो वहां से भी आप अपना कार्ड और सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉमन प्रोसेस है। मे बी हो सकता है कि दूसरे कुछ स्टेट्स में ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो सकता है, पर मोर और लेस ये सेम है। डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का आधार कार्ड बना लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रेडी रखिए। अगर कभी भी जैसे कोई फैमिली है जिसने उम्मीद में कभी बच्चे को दिखाया है असेसमेंट के लिए, या फिर आप कोई भी थेरेपी सेंटर में अगर असेसमेंट किया है, तो पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स अपने साथ ले जाना ना भूले, क्योंकि दिस हेल्प्स द हॉस्पिटल टू डू अ रेफरेंस चेक एंड उसके आधार पे वो सपोर्ट देते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो यही अगर मतलब कोई बच्चा है जिसका फर्स्ट टाइम बन रहा है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो भी यही प्रोसेस है और रिन्यूअल के लिए गए तो भी यही प्रोफेशनल्स हैं जो देखेंगे। यस यस या तो आपका रिन्यू भी करना हो तो भी आपको स्वावलंबन वेबसाइट से ही रिन्यू के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा।
अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो भी आपको ये आपको ऑनलाइन के थ्रू ही करना पड़ेगा, और मे बी आप बाद में पेरेंट्स के साथ ही लिंक शेयर कर सकते हैं, जो मैं लिंक आपको बाद में बताऊंगा स्वावलंबन के बारे में। यस दैट विल बी ग्रेट हेल्प, वी विल डेफिनेटली हम वहां पे पोस्ट कर देंगे वो लिंक सो दैट पेरेंट्स थ्रू दैट। ऑल्सो हमको ये क्वेश्चन आया है कि माई सन हैज हाइपोटोनिया दैट इज लो मसल टोन एंड एपिलेप्सी, ही इज नॉट फिट फॉर एनी असेसमेंट, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि उनका शायद सेरिब्रल पॉल्सी उनको पता नहीं है, बट इट्स हाइपोटोनिया लो मसल टोन एंड विद एपिलेप्सी, तो इज ही एलिजिबल फॉर अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट? आई वुड सी आई मीन थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, थैंक यू, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। कई बार ऐसे होता है कि हमें हमें जो जो डेवलपमेंटल डिलेज है या जो चैलेंजेस है कंसर्न्स वो हम आइडेंटिफाई कर सकते, पर एग्जैक्टली वो कौन सी डिजेबिलिटी के इसमें आता है, क्या वो सी सेरेब्रल पॉल्सी है, लोकोमोटर डिजेबिलिटी है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हमें श्योर नहीं होता। इन दैट केस हम हमेशा पेरेंट्स को बोलते हैं कि अपने डॉक्टर से, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से, या जिससे भी आप थेरेपी ले रहे हैं अपने बच्चे के लिए, इंटरवेंशन ले रहे, आप उनको फिर से एक बार कंसल्ट करिए। अगर आपको ये जानना है, बिकॉज आपको सर्टिफिकेशन के लिए अवेल करना है ये बेनिफिट्स, तो अगर आप अपने थेरेपिस्ट या डॉक्टर से इसके बारे में एक और बार क्लियरली पूछेंगे तो आपको ज्यादा गाइडेंस मिलेगा, एंड देन यू कैन फिल अप योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अकॉर्डिंगली। ग्रेट ग्रेट, आई एम श्योर दिस क्लैरिफाइज द डाउट, एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन एज वेल, ये लग रहा है कि देर इज अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो हमको दिखने में हाइपोटोनिया लग सकता है, बिकॉज मसल्स टाइट भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि बच्चा वीक है, तो यू बेटर गेट योर सेल्फ असेस्ड। और जैसे अदिति ने राइटली कहा, या तो कोई डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से आप पूछिए या आपके थेरेपिस्ट से, एंड यू विल फॉर श्योर गेट एन आंसर। ओके, और उनका ही अगला क्वेश्चन था कि अगर है भी कुछ इशू तो हमारा जो कंसेशन हमको मिलेगा यूडीआईडी कार्ड बनाने के बाद वो क्या होंगे? तो कंसेशंस जो है वो मैं क्विकली एक बार बता देती हूँ आपको। कंसेशंस जो है वो जैसे आपको हेल्थ में सपोर्ट मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जनरली अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो जो ये स्पेस है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज या अडल्ट विद डिसेबिलिटी को नहीं रिकग्नाइज करता है। तो एक निरामय हेल्थ इंश्योरेंस करके पॉलिसी है जो सपोर्ट करती है चार तरह की डिसेबिलिटीज को, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। जब मैं कहती हूँ मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि अगर बच्चे को ऑटिज्म है और साथ में कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो ऐसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज के हिसाब से आपको निरामय हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। आप क्योंकि हेल्थ जो है ना वो कब बहुत बहुत पेरेंट्स की कंसर्न्स है, बहुत ज्यादा पेरेंट्स की कंसर्न्स है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि एजुकेशन स्पेस में अगर आपको अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाना है, या इंक्लूसिव स्कूल में या सपोर्टिव स्कूल में लेके जाना है, और वहां पे एज अ प्रूफ मांग रहे हैं सपोर्ट करने के लिए बच्चे को, कि हमें पता चले कि बच्चे को क्या कंसर्न्स है, तो स्कूल उस तरीके से सपोर्ट करेगी, ध्यान रखेगी, बच्चे का केयर करेगी, तो उसके लिए आपको एडमिशन के साथ सबमिट करना पड़ सकता है। ट्रैवल कंसेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेशन है, अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे के साथ अगर अक्सर बस या ट्रेन में ट्रैवल किया करते हैं। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है, पर हम जानते हैं कि जब ऑफलाइन हम सब काम करते थे तो काफी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर ट्रैवल करते थे घर से थेरेपी सेंटर तक, और उन्हें बस या ट्रेन का सामना करना पड़ता था, इतनी भीड़ का सामना करना पड़ता था। तो ये सर्टिफिकेट बनाने से आप स्पेशल कंपार्टमेंट में बोर्ड कर सकते हैं, और आपके जो एक पेरेंट जो बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहा है उसे कंसेशंस मिलती है उसके टिकट फेयर में। बस में भी सेम सुविधाएं है, एयरलाइंस में टिकट फेयर कंसेशन नहीं मिलता है, लेकिन जो सपोर्ट लगता है, प्रायोरिटी चेक इन, एयरलाइन स्टाफ सेंसिटिव होते हैं, आपकी जरूरतों को समझते हैं, तो इट इज बेटर कि आप ये सर्टिफिकेट बनाए, तो जहां जहां पे आपको जरूरत पड़े आप उसे एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं सही तरीके से। तीसरा है, बहुत से पेरेंट्स को इनकम टैक्स के लिए कंसर्न रहता है, तो वो इनकम टैक्स भी एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर अप्लाई कर सकते हैं, और एक फॉर्म आता है वो फॉर्म के जरिए वो अपना सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द फॉर्म, एंड उनको इनकम टैक्स कंसेशन मिलता है।
देर आर अदर प्रोविजन लाइक फॉर चिल्ड्रेन हु हैव फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया या फिजिकल डिसेबिलिटी आपने कहा, लोकोमोटर, दे समटाइम्स नीड एड्स एंड अप्लाइंसेज, उनको असिस्टेड डिवाइसेस की सपोर्ट चाहिए होती है फॉर डेली फंक्शनिंग. तो उसके लिए भी एडिप करके एक स्कीम है जो एड्स एंड अप्लायंसेस को प्रमोट करता है. इसके बारे में ज्यादा पेरेंट्स को नहीं पता है, अवेयरनेस भी बहुत कम है इस स्कीम के बारे में. तो ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एडिप स्कीम भी अडॉप्ट करते हैं और अपने सेंटर में वो जो भी असिस्टिव डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो एट लेस कॉस्ट या हाफ कॉस्ट में पेरेंट्स को, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सपोर्ट करते हैं. तो हर हर कंसेशंस का अपना एक खुद का डिटेल्स और प्रोसेस है, पर ज्यादा मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी. पर सबसे मेन है कि एजुकेशन में आपको सपोर्ट मिलता है, एग्जाम कंसेशन में मिल जाता है, क्लासरूम में सपोर्ट मिलता है. अगर आप पेरेंट्स स्पेसिफिकली स्कूल को बता सके कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है और उसको इस तरीके से मदद मिलनी चाहिए. हमने इंश्योरेंस के बारे में बात किया, निरामय हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जो एक नेशनल ट्रस्ट एक्ट करके जो एक्ट है उसके अंदर ये इंश्योरेंस फॉल करता है. ट्रैवल की बात हमने कर दी. लीगल गार्डियनशिप भी है जो अक्सर पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है कि उनके रहते हुए वो किसी व्यक्ति को अपनी फैमिली में से, अपने रिलेटिव में से नॉमिनेट कर सकते हैं उनके बच्चे के लीगल गार्डियन बनने के लिए, जो आने वाले कल में, जैसे पेरेंट्स को अक्सर ये चिंता होती है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा. तो लीगल गार्डियनशिप जो है इस कंसर्न को सपोर्ट करता है पेरेंट्स को और लीगली उनको बताता है कि कैसे आप अपने बच्चे को आगे, आपके नहीं होने के बाद भी कोई और पर्सन जो नॉमिनेट होता है वो आपके बच्चे के टेक केयर कर सकते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. ग्रेट ग्रेट. सो ये जो आपने कहा ना निरामया, इज वन थिंग जो मैंने भी सुना है पर उसका डिटेल्स मुझे नहीं पता. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू नो कि इंश्योरेंस अवेलेबल है, हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है, पर लोगों को पता नहीं है. तो उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ है कि 1 लाख का कवरेज है और उसका प्रीमियम कितना है, अगर आप थोड़ा सा निरामया के बारे में बता सके, बिकॉज आई एम श्योर ये काफी पेरेंट्स के लिए आई ओपनर होगा और उनको मदद भी मिलेगी उससे. श्योर. सो निरामया, जो जैसे आपने कहा कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, पर निरामया अगेन एक पैन इंडिया स्कीम है. जैसे मैंने कहा कि बाकी जनरल इंश्योरेंस में हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, डिसेबिलिटी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कम्स अंडर एक्ट कॉल्ड नेशनल ट्रस्ट एक्ट. बेसिकली नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है ये पेरेंट्स ने ही साथ मिलकर बनाया था, जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, सेरेब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी. तो इस एक्ट में, जैसे आपने कहा कि मुझे 1 लाख की पॉलिसी है और आपको ये एक रीइंबर्समेंट स्कीम है. तो अगर आप, आपके बच्चे के लिए थेरेपी में खर्चा हो जाता है, कोई भी टेस्ट अगर आपको करना है, ब्लड टेस्ट, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, रेगुलर चेकअप करना पड़ता है, थेरेपी के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो सारे कॉस्ट जो है इसमें कवर होते हैं. इनफैक्ट हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत से पेरेंट्स जिनके बच्चों को लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी, अगर उन्हें सर्जरी कभी करने के लिए डॉक्टर ने रेकमेंड किया है तो ये सर्जरी का कॉस्ट जो है वो भी कवर हो जाता है. तो एक एक सर्टेन अमाउंट होता है, 1 लाख का तो ओवरऑल पॉलिसी कवर करता ही है, लेकिन उसके भी अंदर सर्टेन अमाउंट्स है जो थेरेपी के कॉस्ट को रीइंबर्समेंट करते हैं, दवाइयों के कॉस्ट को रीइंबर्समेंट करते हैं. अगर आपको, जैसे आपने कहा कि एपिलेप्सी, अगर किसी पेरेंट ने कंसर्न शेयर किया था, तो एपिलेप्सी मेडिसिन भी वो कॉस्ट कवर करता है. और अगर आप कोई प्राइवेट डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो वो भी कॉस्ट कवर किया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी दिखा रहे हैं तो वो भी कॉस्ट कवर किया जाता है. तो सर्जरी, थेरेपी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ये सब कवर किया जाता है. ट्रैवल, इनफैक्ट ट्रैवल कॉस्ट भी कवर करते हैं, वो रकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रैवल कॉस्ट जो है कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपको उतना भी रीइंबर्समेंट मिल जाए. मेरे एक्सपीरियंस में पेरेंट्स ने थेरेपी कॉस्ट को रीइंबर्समेंट करने के लिए काफ़ी इस निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को यूटिलाइज किया है. अगर उन्हें कभी बच्चे को एडमिट करना पड़े हॉस्पिटल में तो उससे भी ये कवर हो जाता है. या वाओ, तो इसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी के उसके बिना भी मैंडेटरी? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी. यूडीआईडी कार्ड, मैं बोलूंगी कि यूडीआईडी कार्ड के बारे में आइडियली ये मैंडेटरी कुछ सालों के बाद हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यूडीआईडी कार्ड जो है इसके बारे में अवेयरनेस इतनी नहीं है,
तो मैं बोलूंगी कि पेरेंट्स को एटलीस्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, तो उसके बेस पे भी वो निरामय अवेल कर सकते। बहुत से पेरेंट्स के पास पुराना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, तो आप उसके आधार पे भी निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जस्ट ये कि वो इतना पुराना सर्टिफिकेट नहीं हो, 20 साल पुराना, 10 साल पुराना, क्योंकि आपको रिन्यू भी करना पड़ता है। बट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड इज इनफ टू अवेल ओके निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। और निरामय का एक और है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट का वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर अपने अपने स्टेट्स की एक नोडल एजेंसीज होती है जो इंचार्ज होते हैं कार्ड बनाने के लिए, निरामय हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनाने के लिए। क्लेम एजेंसी अलग रहती है, क्लेम एजेंसी जो है वो भी काफी सपोर्टिव है। और तो अगर आप पेरेंट्स अगर कोई अलग स्टेट से आए हैं, पुणे से या आउट ऑफ महाराष्ट्र से, आप अपने स्टेट में भी निरामय हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड क्लेम कर सकते हैं आपकी रिस्पेक्टिव नोडल एजेंसीज के जरिए। राइट राइट आई थिंक बॉम्बे में हमारे यहाँ पे सोपान ट्रस्ट करके है, वहां पे ये होता है, यू हैव टू रजिस्टर देयर। तो सोपान ट्रस्ट अभी पहले किया करता था, सोपान ट्रस्ट जो जोगेश्वरी में था, और वो पहले उनके पास ये नोडल एजेंसीज थी। अब ये जय वकील स्पेशल स्कूल जो शिवरी में है, जय वकील स्कूल निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पे अभी काम कर रहे हैं। सोपान अभी नहीं करा है, पर डेफिनेटली सोपान हुआ करता था, पर आप जय वकील स्पेशल स्कूल है। और अभी रिसेंटली हमें ये भी अपडेट मिली है, क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं पैंडेमिक की वजह से, तो अलग अलग जगह, और जैसे थाने में भी कोई पर्टिकुलर स्कूल है जिन्होंने जो नोडल एजेंसी बने हैं निरामया के लिए। जय वकील जो है वो मेनली मुंबई, पेरेंट्स जो मुंबई के हैं उनके लिए है। सो पेरेंट्स के लिए इजी और एक्सेसिबल हो ट्रैवल करना या ऑनलाइन निरामया के बारे में रीच आउट करना, तो हर एक प्लेस में खुद का नोडल एजेंसीज ऑन शुरू हुआ है, और हम वो भी रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि काफी पेरेंट्स ये तो उनके कॉमन खर्चे हो जाते हैं, जैसे ट्रैवल करना थेरेपी के लिए, या नॉर्मल सर्दी खांसी हुई, या कोई बड़ा सर्जरी, स्पेशली विद सेरेब्रल पॉल्सी आपको कॉन्ट्रैक्चर्स डिफॉर्मिटीज होते हैं, तो उसके लिए ऐसे प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ऑल्सो लाइक यू सेड के स्प्लिंट्स बनाने होते हैं कई बार, असिस्टिव डिवाइसेस लगते हैं बच्चों को, और उसके लिए भी देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जो पेरेंट्स को पता ही नहीं है। तो ये जो आपने ADIP, राइट, AIDP, सॉरी, यस, ADIP, यू कैन से ADIP आल्सो, एंड हम एडिप भी बोल सकते हैं। यस, तो उसमें कॉकलियर इम्प्लांट हो गया या उसमें स्प्लिंट्स हमारे हो गए, ये सब भी कवर जी किया जाता है, राइट। जी बिल्कुल कैलिपर्स हो बिल्कुल गए, हमारे जी क्रचेस हो गए। यस एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली तो हमारे पेरेंट्स जो हमको सुन रहे हैं, यू हैव इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको बस उसके बारे में थोड़ा और जानना जरूरी है। एंड आई एम श्योर, उम्मीद इज अ प्लेस वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू। और हमको अगर और भी कुछ डाउट्स हैं, यू कैन ऑलवेज यू नो कॉन्टैक्ट उम्मीद, और वहां पे अदिति होंगी, उनके और टीम मेंबर्स होंगे जो हमको इसके बारे में और ज्यादा गाइड भी कर सकते हैं। ऑल्सो मेरा और एक डाउट था, जैसे ट्रैवल का आपने बोला, तो इट विल डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ द डिसेबिलिटी, कि अगर इतना है तो ये कंसेशन, इतना है तो इसमें इतना यू नो माइनस होगा उनके कॉस्ट में, कि इट्स द सेम फॉर एवरीबॉडी। आई वुडन्ट से कि परसेंटेज के अनुसार ही होता है, पर डिसेबिलिटी के अनुसार होता है। सो अगर व्यक्ति को विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो उनके ट्रैवल कंसेशन जो परसेंटेज है वो डिफर करेंगे। अगर बच्चे को ऑटिज्म है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो वो डिफर करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट परसेंटेज ऑफ अवेलिंग ट्रैवल कंसेशन। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। पर मैं ये एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ट्रैवल कंसेशन से जो ट्रैवल पॉलिसीज है वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे 95 वाले एक्ट से ही चल रही है, पुराने एक्ट के अनुसार ही चल रही है। और कई बार हमने ये फेस किया है कि पेरेंट्स अगर जाते हैं अपना सर्टिफिकेट लेकर, उन्होंने नए एक्ट के अनुसार अपने बच्चे के डायग्नोसिस को ऑटिज्म लिखा के लाया है सर्टिफिकेट में, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उन्हें मिला है, समटाइम्स ट्रैवल जो कंसेशन देते हैं वो इसको नहीं मानते, बोलते हमें नहीं पता ऑटिज्म क्या होता है, हमें नहीं पता कि ये कौन सी डिसेबिलिटी है, तो वो 21 डिसेबिलिटी के बारे में नहीं जानते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है हमेशा कि पेरेंट्स को जब हम ये अवेयरनेस देते हैं, तो ये हम होप करते हैं कि ये अवेयरनेस ये पेरेंट्स ऐसे स्टेक होल्डर्स यानी कि रेलवे, बस या एयरलाइंस में भी ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि देर हैज बीन चेंज, और अगर आपको नहीं पता है तो हम एज अ पेरेंट आपको
बताते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इट्स डेफिनेटली इम्पोर्टेंट कि हम ये अवेयरनेस उन तक भी ट्रैवल स्टेक होल्डर्स तक भी ये पहुंचा सके। तो जो भी पेरेंट्स हैं, आप प्लीज पहले तो देखिए कि 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर MR अब नहीं दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो MR के नाम पे सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप प्लीज हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करिए, और ट्रैवल का जो कंसेशन है उसमें शायद थोड़ा सा आपको एडवोकेट करना पड़े, लेकिन प्लीज करिए। और अगर कुछ डाउट हो तो आप हमको रीच आउट करें ग्रीवेंस के लिए, ट्रैवल के भी वेबसाइट पे उनका ग्रीवेंस आप अपडेट कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स टेक्नोलॉजी से अभी नहीं है, ग्रीवेंस नहीं लिख सकते हैं या फिर नहीं एक्सेस कर सकते हैं, तो आप प्लीज अपने इंटरवेंशन टीम जिससे आप काम करते हैं उन तक पहुंचिए, हम तक पहुंचने की कोशिश करें, और हम आपको इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स सो हेल्पफुल सीरियसली। और वैसे ही जो दूसरा क्वेश्चन था, इसके हमको लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑटिज्म ये तो पता है, पर लर्निंग डिसेबिलिटी का भी यही प्रोसीजर है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, कि उसमें देयर इज अ डिफरेंस? लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रोसेस थोड़ा अलग है। सो लर्निंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो खास करके अगर बनाया जाता है तो वो एजुकेशन कंसेशंस ही अवेल कर सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम हो गया। तो मैं बेसिक जो जनरल कंसेशंस है वो बताऊंगी। फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के बाद बच्चों को कौन से कंसेशंस मिलते हैं, उनको डेफिनेटली क्लासरूम में तो सपोर्ट मिलना चाहिए, साथ ही साथ एग्जाम्स में उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। उनके डिसेबिलिटी के अनुसार अगर उनको रीडर या राइटर की जरूरत है जो उनका पेपर रीड करने में उनको हेल्प करे, क्वेश्चन आंसर्स या राइट करने में सपोर्ट करे, एक्स्ट्रा टाइम उनको दिया जाता है। स्पेसिफिक कंसेशंस भी हुआ होता है, जैसे कि एक लैंग्वेज एग्जम्प्ट हो जाता है, आप स्मॉल पैराग्राफ में लिख सकते हैं लेकिन इतने लैंग्वेज इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो सारे सपोर्ट दिए जाते हैं, कंसेशन दिया जाता है। हाउ टू अवेल अ लर्निंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसमें क्या अलग है वो मैं बताना चाहूंगी। तो अगर किसी भी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी लगता है, ऐसे जैसे जो डॉक्टर अगर असेस करते हैं या थेरेपिस्ट देखते हैं, और आप चाहते हो कि बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी, उसे सर्टिफिकेट मिले फॉर पर्टिकुलर रीजन, तो उसकी एज तो पहले 8 साल या उसकी ऊपर की होनी चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मल IQ है, फॉर्मल IQ मैं आपको स्पेसिफाई करूंगी, वो 8 साल के बाद ही मिलती है। तो आपको उनको अगर मोस्टली स्कूल से रिक्वेस्ट आती है कि स्कूल में बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा, उसे याद नहीं रहता, उसे लिखने में या फिर उसे रीडिंग करने में डिफिकल्टी आती है, प्रोसेसिंग या मेमोरी में, तो स्कूल एक लेटर बना के देगा। हमारे तीन मुंबई में जो तीन ऑथराइज हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल एंड KEM हॉस्पिटल, तो ये हॉस्पिटल्स में आपको स्कूल का लेटर साथ में लेके जाना है। स्कूल में अगर क्लास टीचर बच्चे को अच्छे से जानती है तो क्लास टीचर कंसर्न्स नोट करेगी कि मैथ्स में डिफिकल्टी है, रीडिंग में या लैंग्वेज में डिफिकल्टीज है, और वो नायर, साइन या KEM किसी भी तीन हॉस्पिटल को एड्रेस कर सकती है जो उनका लर्निंग डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट रहता है। वहां पे जाके बच्चे के पेरेंट्स को बच्चे के साथ 3 साल का मार्कशीट साथ में लेके जाना है, कोई भी किताब, कोई भी बुक जो उसकी लैंग्वेज है मैथ्स की होती है साथ में वो कैरी कर सकते हैं। कोविड के टाइम पे स्कूल्स अभी बंद है, और अगर इस दौरान अगर किसी भी पेरेंट्स को LD सर्टिफिकेट बनाने जाना है तो आप स्कूल से लेटर, सिंपल लेटर भी मांग सकते हैं या बोनाफाइड लेटर मांग सकते हैं, जस्ट टू प्रूव कि बच्चा ये स्कूल में पढ़ता है और जाता है। और आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओल्ड मेडिकल रिपोर्ट्स साथ में लेके जाके आप नायर, साइन या KEM में इनके LD डिपार्टमेंट में विजिट कर सकते हैं, और वहां पे जो सर्टिफिकेशन असेसमेंट होगा वो तकरीबन 5 से 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम लगता ही है क्योंकि उसमें बहुत सारे असेसमेंट इन्वॉल्व है, राइट फ्रॉम डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, OT PT, स्पीच थेरेपी, जनरल चेकअप, स्पीच हियरिंग टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो ये सारे होते होते लर्निंग डिसेबिलिटी टेक्स अ लॉन्गर टाइम, तकरीबन 6 months। तो अगर जो कोई भी पेरेंट्स है जिनके बच्चे अभी 10वीं में है, 9th में है, आई वुड रिक्वेस्ट कि स्टार्ट, आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दो। साइमल्टेनियसली आपने LD प्रोसेस इन सारे हॉस्पिटल्स में स्टार्ट किया, उसी के साथ साथ आपको UDID कार्ड के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो UDID कार्ड के लिए जो है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, वो तो आपको वैसे ही हर डिसेबिलिटी में अप्लाई करना पड़ेगा, पर लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या प्रोसेस अलग था, आपको स्कूल का लेटर इज इम्पोर्टेंट।
एंड स्कूल का टेस्टिंग के, वैसे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए कोई फीस चार्ज नहीं होती, देयर इज नो फीस चार्ज फॉर अवेलिंग अ सर्टिफिकेट, बट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी आपको स्कूल के अनुसार आपको असेसमेंट फीस देनी पड़ती है हॉस्पिटल को. इट इज कॉमन, इट्स अ कॉमन प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द स्कूल, की स्कूल इज अ प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है या BMC स्कूल है, तो उस स्कूल के अकॉर्डिंग आप नायर साइने केम में असेसमेंट फीस चार्ज करते हैं, विच नायर आपको बता देता है नायर साइने केम. एंड आई एम श्योर कि अभी मुझे ऐसे लगता है कि इवन आउट ऑफ मुंबई भी इन तीनों हॉस्पिटल्स में से ही स्कूल्स अक्सर असेसमेंट के लिए भेजती है, क्योंकि ये ऑथराइज सेंटर्स है. राइट राइट राइट. एंड इसको मैं सिर्फ एक ऐड करूंगी कि अगर कोई पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है या सेरेब्रल पॉल्सी है, तो LD का आपको सर्टिफिकेट उसके साथ नहीं मिल सकता है, बिकॉज द बेसिक फॉर LD इज दैट यू शुड बी एब्सोल्युटली फाइन, द IQ शुड बी ओके, बट योर परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू अकेडमिक्स वो मैच नहीं कर रहा है उसके IQ को, तो योर IQ शुड बी परफेक्ट, तो ही आप अवेल कर सकते हैं कि LD हो सकता है या नहीं, एंड देन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड देन द कंसेशन. सो दैट इज वन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू गेट क्लियर. और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे वॉज कि जब मैं निरामया के बारे में किसी को बताती हूँ, तो काफी पेरेंट्स को ये भी एक मिथ है कि ये उनके लिए है जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है. सो इज इट ऐसा है कि जिसका जो साल में 2 लाख कमाते हैं उन्हीं को मिलता है, और इट इज ओपन फॉर एवरीबडी? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. नो, इट डजेंट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द इनकम. इसमें फैमिली इनकम या फैमिली फैमिली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, बच्चों को उनकी थेरेपीज और उनके जो मेडिकल मेडिकल एक्सपेंडिचर है उसको स्मूथली कंटिन्यू कर सके, इसलिए बनाया गया है. जहाँ पे इन जनरली हमारे लिए नहीं अवेलेबल था इंश्योरेंस, तो ये एक बहुत ही खास इंश्योरेंस पॉलिसी है, और ये इनकम को मैच, इनकम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें. ऐसे ही कभी कभी लगता है कि जो 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 एनुअली जो कवर करता है ये पॉलिसी, वो कई बार लगता है कि बहुत कम है और होना चाहिए, इससे तो हमारे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है, तो ये डेफिनेटली ये रियम्बर्समेंट स्कीम है. और आप ही सोचिए, अगर हम अगर एक्सपेंड करते हैं और हमें वापस वो रिटर्न मिलता है, अगर आप और मैंने भी अगर इंश्योरेंस क्लेम किया है, तो जो भी रिटर्न मिलता है तो हमें हमें एक रिलीफ मिलता है कि वो अमाउंट हमारे पास आधे रकम में भी जो है हमें वापस मिला है. तो ये मुझे लगता है कि ऐसे डिस्क्रिमिनेट तो नहीं होता है. डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखना चाहिए, और हर 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 फैमिली जो हर SES से बिलोंग करते हैं वो सब इसको आसानी से अवेल कर सकते हैं. इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि अगर आपको पेरेंट्स एज अ पेरेंट आपको लगता है कि ये नहीं मिल रहा है या डिफिकल्ट है या इसको थोड़ा और इस स्कीम को थोड़ा बेटर करना है, फील फ्री टू शेयर योर फीडबैक, बिकॉज जितना आप पॉलिसी मेकर से ये फीडबैक शेयर करेंगे उतना ही स्कीम्स में बेटरमेंट आएगा, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और ये इम्प्रूवमेंट सभी पेरेंट्स के लिए यूजफुल होगा, है ना. अगर कल को 1 लाख से बढ़ के 2 लाख का कवर हो गया तो इट इज बेनिफिशियल, ये सबके लिए बेनिफिशियल है. पर वो तभी चेंज होगा जब पेरेंट्स इसके बारे में उसको पहले यूटिलाइज करेंगे और फिर फीडबैक दे पाएंगे. सो विदाउट यूटिलाइजेशन यू वॉन्ट बी एबल टू गिव फीडबैक फॉर एनी पर्टिकुलर चेंज, बट एनी बडी कैन अवेल इट. इनफैक्ट उम्मीद में बहुत से पेरेंट्स ने इसको यूटिलाइज भी किया है और उन्हें सपोर्ट भी मिला है. सो ये एक सक्सेस स्टोरी है जो हम बाकी पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं. यस यस. सो इररिस्पेक्टिव आपका कितना अर्निंग है एनुअली, जैसे अदिति ने कहा, प्लीज गो अहेड एंड टेक बेनिफिट ऑफ दिस अमेजिंग निरामया स्कीम, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम. अगेन आई विल मेंशन, बिकॉज ये कॉमन होता है कि नहीं, अगर हम उतना नहीं कमाते तो ही मिलेगा पैसे. या एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड कि देयर इज अ ईयरली फीस जो आप हमेशा क्लेम के लिए आप एक फीस पे करते हो, तो इट इज 500 रुपीज. अगर किसी भी पेरेंट को 500 नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप आपकी नोडल एजेंसी से रिक्वेस्ट करेंगे, और वो फीस जो है वो आई थिंक 250 हो जाती है 500 से घट घट कर. तो ऑफ कोर्स, और ये ईयरली है, ऐसा नहीं कि आपको 500 मंथली भरना, ये ईयरली है.
अगर उसमें भी दिक्कत आती है तो आप डेफिनेटली अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं, पर ये पॉलिसी आप डेफिनेटली अवेल करिए, और ये आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के बाद आप इसको इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वाह, सो इतना बेसिक प्रीमियम ऑफ 500 एंड अ कवर ऑफ 1 लाख, और उसमें भी देयर इज, जैसे अदिति ने अगेन मेंशन किया था, 10,000 5,000 ऐसे बाइफरकेशन किए हुए हैं ट्रैवल के लिए, सर्जरीज के लिए, थेरेपीज के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी है, पर हमको उतना तो रिटर्न्स आ रहा है, विच इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस इन द फ्यूचर. सो अगेन आई विल री काइंड ऑफ रिपीट माई सेल्फ के प्लीज थिंक अबाउट इट, रीड अबाउट इट एंड टेक बेनिफिट ऑफ इट. एंड एक लास्ट क्वेश्चन अदिति आया है, इज दैट UDID इज फॉर लाइफ टाइम के टेम्पररी, इज व्हाट शी इज आस्किंग. सो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन मैम। सो बेसिकली डिपेंड्स कि आपके बच्चे की अभी एज क्या है। हमने शुरुआत में इसको डिफाइन किया था कि एज क्राइटेरिया टू गेट द वैलिडिटी ऑफ यूडीआईडी कार्ड, अगर बच्चे की उम्र 18 साल से नीचे है तो उन्हें टेम्पररी यूडीआईडी कार्ड मिलता है। यूडीआईडी कार्ड में वहां पे टी करके मार्क मार्क दिया जाता है, मार्किंग दिया जाता है, दैट मीन्स इट्स टेम्पररी। और अगर वो 18 साल की उम्र का हो जाता है या हो जाती है तो वो पी मिलता है, यानी कि परमानेंट। मैं वो अभी बता नहीं पा रही हूँ आपको विजुअल जो कार्ड का सैंपल, बट अगर हम मैं शेयर करूंगी आपके साथ किंजल और आप पेरेंट्स के साथ एज अ रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। तो मोस्टली आफ्टर 18 वो कार्ड परमानेंट बन जाती है, बिफोर 18 आपको टेम्परेरी कार्ड मिलता है जो रिन्यू किया जाएगा, और उसमें टाइम पीरियड और वैलिडिटी आपके सर्टिफिकेट में दी जाती है। ओके, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन दिव्या, एंड विद दैट आई थिंक हम सारे क्वेश्चंस को, यू नो, वी गॉट ऑल आवर आंसर्स. काफी नई चीजें जानने मिली, जैसे कि निरामया, विच इज सो, मतलब इमीडिएटली आप अवेल कर सकते हैं, प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, कैसे उसको लेना है, उसकी कैसी फीस होती है, LD का कैसे डिफरेंट होता है सर्टिफिकेशन लेना. सो यू नो इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी, एंड आई एम श्योर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए भी होगा, एंड दे विल टेक बेनिफिट ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन आज हमसे शेयर की गई है, और उसके कंसेशंस हम लें, नॉट जस्ट. और मैंने शायद ये भी सुना है कि हर स्टेट के हिसाब से, जैसे स्टेट नहीं, हर आपके बोर्ड के हिसाब से, SSC है, ICSE है, तो कंसेशंस बदलते हैं, तो वो सब आपको बताया जाएगा जब आप वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, तो प्लीज टेक बेनिफिट ऑफ दिस. उसमें वो स्टिग्मा मत रखिए कि वो बच्चे को एक लेबल दे देगा फॉर लाइफ कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आ गया है. इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अलोंग विद इट, जो हमको अदिति ने आज कितना ब्यूटीफुली समझाया. सो थैंक यू सो मच अदिति फॉर रिमूविंग योर टाइम एंड यू नो आंसरिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जो बहुत कॉमनली कंफ्यूज होते हैं पेरेंट्स जिसको लेके. सो इट मीन्स अ लॉट टू अस. थैंक यू सो मच किंजल कि आपने ये मौका, आपने स्पेस क्रिएट किया जहाँ पे पेरेंट्स आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने क्वेश्चंस, आई एम श्योर कि जब आप एक्चुअली डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट अवेल करने जाते हो या प्रोसेस इनिशिएट करते हो या यूडीआईडी कार्ड इनिशिएट करोगे तो उसमें एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस पेरेंट्स के होते ही है। पर फील फ्री टू आस्क अस, आप हमें उम्मीद में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किंजल को मैसेज कर सकते हैं एंड वो आपको हमसे हमसे टच थ्रू कर हमसे बात करवा देगी, या हम आप तक पहुंच सकते हैं। और इनफैक्ट हम एक UDID के ऊपर भी सेपरेट वर्कशॉप करते हैं उम्मीद में, जहाँ पे हम एग्जैक्टली बताते हैं कि UDID कार्ड क्या है और उसका उस एप्लीकेशन को कैसे फिल करना होता है। क्योंकि इस 1 घंटे में हमने हमने आपको आज ब्रीफ बताया है, एक ओवरव्यू बताया है ऑन ऑन एक्ट्स के बारे में, कंसेशंस के बारे में, बट एवरी एक्ट हैज इट्स यूनिक प्रोसेस और एंड एंड यूनिक स्टोरीज ऑफ ईच एंड एवरी पेरेंट जिन्होंने इसको अवेल किया है या कई बार अवेल करने में डिफिकल्टी हो जाती है। सो देर आर मल्टीपल स्टोरीज टू दैट। सो थैंक यू सो मच टू यू किंजल, योर सेंटर एंड ऑल दी पेरेंट्स जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। इट मीन्स अ लॉट टू अस अदिति, एंड आई वुड लव अगर आप शेयर कर सको. आई थिंक 25th या 26 सितंबर को ये आप जो बोल रहे थे वो वेबिनार आप रख रहे हो, राइट, फॉर UDID कार्ड और फॉर द. सो आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि 24th एंड 25th सेप्टेम्बर हम लोग नो योर राइट्स वर्कशॉप करते हैं, जो इन डिटेल इन सारे प्रोविजन्स के बारे में बात करता है, जो कि सिर्फ मराठी में होने वाला है इस बार। तो जितने पेरेंट्स हैं जिनको मराठी में कंफर्टेबल है अटेंड करना, वी वांट टू बी डाइवर्स विद लैंग्वेज,
आप लोग प्लीज उम्मीद पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग आपको इस वर्कशॉप में रजिस्टर करेंगे. इट्स नो योर राइट्स विच इज हैपनिंग ऑन 24th and 25th सितंबर इन ओनली इन मराठी. एंड अक्टूबर में हम यूडीआईडी वर्कशॉप करने वाले हैं. सो ओके सो आई एम श्योर हमें जो पेरेंट्स सुन रहे हैं और उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है. सो प्लीज डू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन द डिटेल्स. आई एम श्योर अदिति हमसे शेयर करेंगे एंड आई विल पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. ऑल्सो जो हमको पेरेंट्स बाद में सुनेंगे जब ये लाइव खत्म होगा उसके बाद भी जो कई पेरेंट्स हमें सुनेंगे, आपको डाउट्स हैं फील फ्री टू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन और गेट इन टच विद अस. हमारे डिटेल्स भी हमारे पेज पे अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड वी विल सी टू इट के आपके वो सारे क्वेश्चन हम अदिति तक पहुंचाएं और अगर पॉसिबल हुआ तो आप दोनों को ही कनेक्ट कर सकें सो दैट यू गेट द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस. सो ऑन दैट नोट आई विल से बाय बाय टू अदिति एंड अगेन अ हार्टफेल्ट थैंक यू फॉर ऑल हर टाइम एंड ऑल द ब्यूटिफुल इन्फॉर्मेशन दैट शी शेयर्ड विद अस. Thank you so much. Thank you, Kinjal. And thank you all the parents. Yes, they were quite patient with us. Our questions bhi kafi achhe the aur kafi relevant the. And also we will share the resources. Yes. And also on that note for the audience, ye 25th September, jo ye Saturday hai, I will lie, Pehel is coming up with a one of its kind virtual toy exhibition for the parents and also for the professionals jinko join karna ho, but majorly for parents. जहाँ पे हम थेरेपी रिलेटेड टॉयज, थेरेपी रिलेटेड इक्विपमेंट्स, फ्लैश कार्ड्स, पजल्स, वो सब वर्चुअली एग्जिबिट करने वाले हैं. एंड अगर वो आपको इंटरेस्ट करता है तो आप डायरेक्टली उस इंसान से बाय कर सकते हैं. सो प्लीज टेक बेनिफिट ऑफ दिस. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग इवन फॉर द रजिस्ट्रेशन. इट्स अ जूम कॉल जो आपको लिंक शेयर किया जाएगा ऑन द सैटरडे मॉर्निंग और आपको उस लिंक पे इवनिंग 6 PM शार्प वी विल स्टार्ट विद द एग्जिबिशन. आप वो अटेंड कर सकते हैं एंड देन यू कैन ऑर्डर इफ यू लाइक एनीथिंग फ्रॉम द एग्जिबिशन दैट फ्रॉम द टॉयज दैट विल बी एग्जिबिटिंग. सो ऑन दैट नोट आई विल नोट से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू अंटिल वी मीट अगेन विद एन ऑसम लाइफ. जो इतने ही एक यू नो ब्यूटिफुली जो उस टॉपिक को समझते हैं वैसे एक्सपर्ट के साथ होगा. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम सी यू ऑल. बाय.